नमस्कार, आज आपको महान संत गुरु रविदास जी के बारे में बताएंगे। हमारे समाज को जो आज की जनरेशन है उसमें काफ़ी लोग इन बातों को जानते हैं, लेकिन आने वाली जनरेशन को भी ये बातें ज़रूर पता होनी चाहिए कि एक संत ने हिंदू धर्म की मर्यादा बनाए रखने के लिए, उसकी महत्ता बनाए रखने के लिए कितने त्याग किए। बात उस वक्त की है जब मुस्लिम शासक हिंदुओं को जबरन मुसलमान बना रहे थे। तब सिकंदर लोधी चाहता था कि संत रविदास जी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लें, ताकि इनके ऐसा करने से और लोग जो महान संत गुरु रविदास जी को मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, वो खुद ब खुद ही मुसलमान बन जाएंगे। लेकिन महान संत रविदास जी ने स्पष्ट मना कर दिया। सिकंदर लोधी ने एक विद्वान महान संत रविदास जी के पास भेजा था और उन्होंने उन्हें कहा कि आप मुस्लिम बन जाएं, लेकिन संत गुरु रविदास जी ने कहा कि मैं मुसलमान नहीं बनूंगा, आप मुझसे धर्म पे बहस कर लें, डिबेट कर लें, अगर आप जीत गए तो मैं इस बारे में विचार किया जा सकता है। लेकिन सार्वजनिक मंच पर सिकंदर लोधी का भेजा हुआ जो विद्वान था वो संत गुरु रविदास से हार गया। और हार ही नहीं गया, बल्कि जो आया तो था संत रविदास जी को मुसलमान बनाने के लिए कहने, वो खुद ही हिंदू बन गया। इससे सिकंदर लोधी आग बबूला हो गया और संत रविदास को उसने जेल में डाल दिया, जहां उन्हें कठोर यातनाएँ दी गई। तब भी संत गुरु रविदास ने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। उस वक्त संत रविदास ने कुछ पंक्तियां भी लिखी थी, वो भी आपको बताएंगे, वो भी ज़रूर आप सुनिएगा वीडियो के अंत में। और एक बहुत महान उपलब्धि, महारानी मीरा संत रविदास की शिष्या बनी और महारानी मीरा से वो कृष्ण भक्त मीराबाई हो गई। इससे बड़ी समरसता का उदाहरण आपको कहाँ मिलेगा। यातनाएं सहने के बाद भी अपने वैदिक धर्म पे वे अडिग रहे, अपने अनुयायियों को विधर्मी होने से बचा लिया। ऐसे थे हमारे महान संत रविदास, जिन्होंने धर्म देश रक्षार्थ सारा जीवन लगा दिया। वे आज हमारे बीच नहीं हैं, उनकी स्मृति आज भी उनके आदर्शों पर चलने हेतु प्रेरित करती है। आज भी उनका जीवन हमारे समाज के लिए प्रासंगिक है। आज भी समाज का हिंदू धर्म उनका ऋणी है। हिंदू समाज में छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच का भाव कभी नहीं रहना चाहिए। इसका हम घोर विरोध करते हैं और सभी को निवेदन करते हैं कि इन छुआछात, ऊंच नीच, रंग भेद, इन बातों को त्याग दें और संत गुरु रविदास जी के जो विचार थे उनको अपनाएं, ताकि समाज आगे बढ़े। वो बातें जो उन्होंने कही थी उस समय, वेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मैं क्यों छोड़ इसे, पढ़ लूँ झूठ कुरान, वेद धर्म छोड़ू नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाही, गो दो अंग कटार। उन्होंने क्लियर कर दिया था, स्पष्ट कर दिया था, भले मुझे जितने मर्जी कष्ट दिए जाएं, मैं कभी धर्म परिवर्तित नहीं करूँगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि इस गौरवपूर्ण इतिहास को आने वाली जनरेशन तक पहुँचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।